अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, मैं हूं जाद चायवाला। मिलियनेयरों, पाकिस्तान में फेल लोगों की कमी नहीं है। मैंने आपको मिलियनेयर बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, ताकि फेल लोगों की तादाद कम होती जाए और क्या कहते हैं, कामयाब लोगों की ज़्यादा। खैर, फेल लोग आपको बहुत सारी एडवाइस देते हैं, जिनमें सबसे पहली ये है कि वो कहते हैं कि रिस्क नहीं लेनी, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट टू रिस्की है। भाई कोई नहीं कह रहा आपको कि आप रिस्क बड़ी लो। कामयाब बंदा आपको हमेशा कहेगा कि छोटी रिस्क लो, छोटी रिस्क से शुरू करो, और फिर जब आप में हौसला आ गया, आपकी कामयाबी की रेशो बढ़ते गए, तो बाद में आप बड़ी रिस्क ले लेना। दूसरी एडवाइस जो आपको फेल लोग देते हैं और आपने माननी नहीं है, वो ये है कि एक नौकरी को पकड़ के रखो और दैट्स इट। वो उनकी सबसे बड़ी ना ऑब्वियसली पहली होगी कि यार ले लो, फिर उसको पकड़ के रखो एडवाइस। एम्बिशन उनकी सबसे ज़्यादा ही होगी। मैं कहूँगा कि यस, फाइंड नौकरी, होल्ड ऑन टू इट ओनली अगर आपको उसमें मज़ा आता है, ओनली अगर आप समझते हो कि उसमें आप ना बहुत दूर जा सकते हो, आप बहुत कुछ उसमें सीख सकते हो, एंड यू कैन क्लाइम द लैडर ऑफ पैसा, ठीक है, और कामयाबी और स्किल। तीसरी चीज़, ये एडवाइस जो आपको फेल लोग आपको एडवाइस देंगे, वो ये है कि नेवर ट्राई न्यू थिंग्स, ठीक है, शायद आपको अच्छी ना लगे। ओपरा मारिया, कामयाब आपको बंदा कहेगा ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, ठीक है, दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ यू डिस्कवर न्यू थिंग्स, दैट्स हाउ, शायद अगर वो आपको अच्छी लगी तो वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। ओके, सो तालीम इज ट्राइंग न्यू थिंग्स, और उसमें यानी सिंपल। चौथी चीज जो आपको फेल लोग कहेंगे वो ये होगा कि बड़े हाफ ना देखो, जबकि कामयाब बंदा आपको कहेगा कि डेफिनेटली बड़े हाफ देखो। जो नाकाम बंदा होता है, फेल्ड बंदा, वो चाहता नहीं कि आप दूर जाएं, उसमें हौसला नहीं होता कुछ करने को, समझता है कि सारे मेरे जैसे हैं। जबकि कामयाब बंदा कहता है कि बड़े हाफ देखोगे तो कहीं पहुंचोगे ना, या अव्वल हाफ कोई ना कोई देख लो, उससे आपको रास्ता पता चल जाता है, उसको आपको वो समझा देता है आपको कि तैयारी क्या करनी है इन ऑर्डर टू रीच दैट मंजिल। पांचवी चीज़ ये होगी जो नाकाम लोग या फेल्ड लोग आपको कहते हैं कि टू स्टार्ट अ बिजनेस या कुछ भी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। बट मैं आपको कहूँगा एज अ अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल पर्सन के पैसे से हर चीज़ नहीं होती, वक्त की भी बात होती है, स्किल की भी बात होती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन स्टार्ट विद वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। छठी चीज़ जो नाकाम लोग आपको कहते हैं वो ये है कि लोगों को मुँह दिखाना है, फेक इट। ना, कामयाब बंदा कभी भी लोगों की फिक्र नहीं करता, उसमें खुद एतमादी होती है, उसको पता होता है जो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑलवेज बी राजी ऑन व्हाट यू आर, और अपने आप को बस बेहतर करते रहो। कहाँ तक क्या कहते हैं, अपने राजी होना है, जहाँ तक कि बस अल्लाह ने मुझे बनाया जैसे ही हूँ, यही शक्ल अल्लाह की जो बनावट है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन है, बट बियॉन्ड दैट कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड नेवर फेक इट लोगों को दिखाने के लिए। और द नेक्स्ट एडवाइस जो आपको ये कहते हैं वो ये है कि सेव मनी टू मेक मनी। ना, कामयाब लोग जो है ना, दे डोंट सेव मनी टू मेक मनी, वो इन्वेस्ट करते हैं टू मेक मोर मनी। और इन्वेस्टमेंट मैंने आपको शुरू में कहा छोटी भी हो सकती है, वो हमेशा अपने स्किल्स को ग्रो करते रहते हैं, वो हमेशा अर्न मोर टू मेक मनी की ज़हनियत रखते हैं, नॉट कि सेव मनी। क्योंकि सेविंग में क्या होता है यार, आपको वक्त खा जाता है, वक्त इज़ अ दीमक जो आपकी कुव्वत खरीद को खाता जाता है एवरी सिंगल डे, इन्फ्लेशन भी इसको बोला जाता है। आठवीं चीज़ जो फेल लोग आपको कहते हैं कि जो अमीर होता है बंदा, वो जी लकी हो गया, बस एवं उसकी ना वो किस्मत चल पड़ी। जो सक्सेसफुल बंदा होता है वो कहता है कि किस्मत बनानी पड़ती है। ये क्यों है कि जो बंदा मेहनत करने लग पड़ता है, एक बिजनेस शुरू करने लग पड़ता है, उसको ज़्यादा लक मिलती है, और जो नहीं करता घर बैठा है उसकी लक नहीं चलती, है ना। सो कामयाब बंदा आपको कभी नहीं कहेगा कि देयर इज सच ए थिंग दुनिया में एज किस्मत या लक। नवी चीज़ के आपको वही करना चाहिए जो आपके बाप दादा ने किया, आपके जो चचा कर रहे हैं, आपके जो वाले साहब कर रहे हैं, एक्सेट्रा। नो, सक्सेसफुल पीपल विल से वो चीज़ करो जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आप समझते हो कि आप दुनिया में ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। सिंपल, बाप अगर यार दुकान चलाता है, आप यार मोची बन जाओ, बट द वन जो क्या कहते हैं ऑफ द हायर लेवल। बाप अगर यार टैक्सी ड्राइवर है तो यू बिकम प्रोग्रामर, यू कैन चेंज फील्ड्स। अबू आपके बैंक में है, आप प्रोग्रामर बन जाओ। अबू आपके क्या कहते हैं सरकारी नौकरी में है, यू डू समथिंग एल्स। ओके, सो हर चीज़ बदली जा सकती है। यू शुड नॉट फॉलो चचा आपकी ये कह रहे हैं, आपका कज़न ये कह रहा है, पूरा खानदान डॉक्टर है, तो आप भी डॉक्टर बन जाओ। दसवीं चीज़ जो आपको ये कहते हैं इज़
गो स्लो एंड स्टडी, जल्दी क्या आपको यार, दुनिया इस मंत्र पे नहीं चलती, दुनिया बड़ी तेज़ी से भाग रही है, खाओ खाओ दुनिया, एंड या तो लोग सारे इसी उसूल पे चल रहे हैं कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे यू मस्ट एक्सेल, यू मस्ट रेस, यू मस्ट हैव एन एम्बिशन कि भाई मुझे आज ही कामयाब होना है, ठीक है, यानी कि रातों रात, बट बंदे की जो बंदे को फुर्तीला लाजमी होना है, तो ये स्लो स्टडी वाला खाता कोई नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज 11वीं के लिसन टू योर एल्डर्स। यस, कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता जो मशवरा नहीं किसी के साथ करता, एल्डर्स से विजडम मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में एक खाता है कि यार हर चीज बड़ों की सुननी है, नहीं, कई बार उनको नहीं पता होता। हम लोग इसलिए गरीब हैं बिकॉज हमारे एल्डर्स को फाइनेंशियल तालीम नहीं पता, उनके पास फाइनेंशियल सेंस नहीं है, उनको नहीं पता फैक्ट्रियां किस तरह लगती हैं, उनको नहीं पता कि जिंदगी में कामयाब कैसे होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। रिस्पेक्ट देम, लव देम, एहतराम, कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, बट मशवरा ले लें, बट जो फाइनल डिसीजन है वो आपकी होनी चाहिए। 12वीं चीज़ जो ये फेल्ड लोग आपको बाल पे ऑलमोस्ट ताना करते हैं, तो ज़्यादा सोचता रहता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद थिंकिंग एंड प्लानिंग, ये नहीं कि ओवर थिंक करो, ओवर थिंक नहीं कह रहा, बट वो जो शुरू में आपको क्या कहा था, आपके पास एक मंजिल होनी चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, तो अगर उस हद तक आप सोचते हैं तो सोचते रहिएगा, इनको आपने मुंह नहीं लगाना, ये वहीं वहीं खड़े होंगे व्हेन यू आर रियली रियली फार। और सबसे आखिरी वाली चीज़ के डोंट कॉपी आइडियाज़, और यार ये छोटे दिमाग की बात होती है, डोंट कॉपी आइडियाज़, मैं आपको कह रहा हूँ ऑलवेज कॉपी आइडियाज़। क्यों? अगर एक बंदा है उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो बहुत कामयाब हो गया, आप उसकी 100% कॉपी लगाओ, आप भी कामयाब हो जाएंगे। अगर एक बंदा है वो फलां उसका किस्म का लाइफस्टाइल है, वो ये चीज़ करके बड़े दूर पहुंच गया, यू कॉपी हिम, वो तो आपके साथ जिंदा मिसाल है आपके सामने की। यार जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, आप भी वही करो 100% जो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क करते हैं, आप उतने ही अमीर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस डिपेंड करता है कि आपके पास रोल मॉडल कौन है, आप में भूख कितनी है, दी एंड। बस मिलियनेयरो, ये चंद एडवाइसें थी जो फेल लोग देते हैं, आपने इनसे बच के रहना है, इन फेल लोगों से अपनी सोबतें बदलें, स्टिक विद सक्सेसफुल पीपल ताकि वो भी आपको नीचे से ऊपर खींच के कामयाब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल सी यू इन अनदर वीडियो अन करीब, अस्सलाम वालेकुम।